135 करोड़ भारतवासियों का जो छाती है ना, वो दोबारा 56 इंची हो गई है, क्योंकि आज फ्रांस भी हमारे द्वारा डेवलप किया गया यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वो अपने यहाँ पर शुरू करने जा रहा है। अरे वो यूपीआई, हाँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अरे हम पढ़े लिखे बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत हम भी पढ़े लिखे हैं भाई। और सुनिए, जहाँ से रफेल मंगाने के लिए पैसे नहीं थे कांग्रेस के राज में, आज वो हमारा यूपीआई एग्जीक्यूट करना चाहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बार बार आदिवासी की बात कर, अरे सुन लो भाई, काहे दर्द हो रहा है, सुनो, बूंजल भाई के घर पे राहुल गांधी जी रोटी खाने गए थे, याद है सबको, उस बूंजल भाई को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का मकान मिला, नल योजना में जल मिला, उसके साथ ही आयुष्मान योजना में कार्ड मिला, ये है मेरा प्रधानमंत्री। और मजे की बात, इस देश के अंदर 26 एक्सप्रेस वे बना दिए, कितने सारे एम्स, कितने सारे लोगों को हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना दी, रोजगार कितने को दिया भाई, ये बताओ पहले तो आप, रोजगार प्रधानमंत्री ने कितने को दिया? 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी जब 14 में आए, आज तक अगर देखो तो कितने 9 साल हो गए, 9 दिन 18 करोड़ जो आप कहा है, बीजेपी गवर्नमेंट 18 करोड़ जो आप दे दो इनको बच्चों को, अगर जो ये जो मांगेंगे ना, इनके ऊपर लट बजाएंगे, लट बजाते हैं। आराम से, आराम से, कूल डाउन, कूल डाउन। मुझे सिर्फ 20 सेकंड चाहिए। मेरे भाई को बताना चाहता हूँ, 40 करोड़ भारतवासियों को 23 लाख करोड़ से ज्यादा का मुद्रा योजना का लोन भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। एक मिनट बजाने की बात, भारत सरकार से किसानों पे किस प्रकार से बिहार में लट बजाएगा? न्यूज 18 इंडिया इसको प्रमाणित करती है? क्या कहीं डाटा है कि 40 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है? आप बताइए, अगर आप मैं तो एक ही आंकड़ा जो परसों नरसों आया उसी को बता सकता हूं कि इस देश में 51 में बेरोजगारी की दर और 2022 और 23 में बेरोजगारी की दर एक ही, लगभग एक ही रही, यानी 50 में हम 36 करोड़ थे और आज हम 140 करोड़ हैं। भाई ऐसा नहीं है, एक आंकड़ा बताया बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ, प्रधानमंत्री जी शायद 63वां या 64वां विदेश यात्रा है, 64 बड़ी विदेशी कंपनी बता दीजिए जो दिल्ली अभी देश में आके फैक्ट्री खोले हो, जिससे रोजगार मिला हो, बता दीजिए ना। राइट, आराम से लगा के आग शहर। एक मिनट, अरे रुको भाई, बोलने का सबका हक है और डिबेट मतलब ये होती है कि हर आदमी बोलेगा। जी जनाब, लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, लगा कर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी सहपरश बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत है। मणिपुर जल रहा है साहब, हम ऐसे विपक्ष चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ऊपर बोले, लेकिन नहीं बोला जाता। महंगाई की आग लगी हुई है, सब्जी टमाटर आलू प्याज के दामों में आग लगी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे गए हैं, जाएं, वो अपने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में जाएं, 10 करोड़ का सूट पहने, 5 लाख का चश्मा लगाएं, 1.5 लाख का पैंट पहने, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब चाइना साहब हस्तक्षेप करता है और लद्दाख के अंदर, अरुणाचल के अंदर, हिमाचल के अंदर घुसता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी 2 आंख नहीं बोलते। ऐसे विपक्ष हम चाहते हैं कि लाल आंख कर करके डराना चाहिए था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने लाल शर्ट पहन करके दिखाया। जी, आराम आराम, गुस्सा नहीं होते, गुस्सा बिल्कुल नहीं होते, आराम से। डोकलाम में जब देखिए भाई, आंकड़ा दिया था ना, मैंने भी उनका रखा, तो गुस्सा नहीं होते ना, ये तो नाराज नहीं हुए। हाँ बिल्कुल आराम से। जी देखिए प्रतीक जी, पहले मैं जो राजनीतिक दलों की मानसिकता है उस पर बात करूंगी, जो वामदल है उनका जो उनकी जो आधार होता है या उनका जो उनकी महत्वता होती है वो चीनी इंटरेस्ट को देते हैं। अगर हम सेक्युलर पार्टीज की बात करें तो वो करती है तुष्टीकरण की राजनीति और एक वर्ग विशेष को वो प्राथमिकता देते हैं। लेकिन हम अगर मौजूदा सरकार की बात करते हैं तो उनका जो प्राथमिकता है वो ये है कि देश में विकास हो,
भारत पूरी दुनिया में तरक्की करे और एक ग्लोबल लीडर के तौर पे आगे बढ़े। अब मैं बताती हूँ जो इन्होंने सवाल किया, इनको दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत होती है जब ढोकलाम बोले, मैंने किसी के में नहीं बोला। देखिए ढोकलाम में जब चीनी दुस्साहस करते हैं तो हमारी हमारी सेना उनको जवाब देती है और विपक्षी तालियां बजाते हैं। देखो देखो चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली, इन्होंने कभी इनके मुंह से कभी चाइना के विरोध में एक शब्द निकला? पूछिए, ये देश के प्रधानमंत्री के विरोध में बात करते, चाइना के विरोध में एक शब्द नहीं निकलता। यहाँ से इनकी सच्चाई निकलती है कि इनका इंटरेस्ट, इनकी जो मानसिकता कहाँ से जाके मिलती है। आप बताइए, चाइना के ऊपर कुछ नहीं बोलते, हर बार यही खता करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी से राहुल गांधी साहब ने यही तो सवाल करा था, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? अडानी साहब के ऊपर उन्होंने सवाल करा, उनसे कहा बाहर का रास्ता। यही तो सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि जेपीसी आप क्यों नहीं करा रहे? और सत्ता पक्ष ने पहली बार ऐसा हुआ आजाद भारत के बाद कि सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। यही तो मुझे मालूम है, डिबेट अब अपने चरम पे पहुंच चुकी है। इससे पहले कि मुझे पानी ठंडा डालना पड़े, शायरी में जवाब नहीं होगा। जब जब आग लगी हो तो पानी डालना चाहिए, शायरी नहीं। मैं आ रहा हूं। आपने कहा कि बाहर का रास्ता दिखा दिया मुझे फैक्ट्स एंड विजुअल्स, कोर्ट ने कहा, उसके बाद हुआ है, वो कोर्ट से हुआ है, किसी के इल्जाम से नहीं। और आप कोर्ट पे विश्वास करते हैं, आप नौजवान आदमी हैं और आप न्यायालय की व्यवस्था पे विश्वास। मैं आ गया, रमनीश जी आ गया। जी भैया जी, पूरा विपक्ष से भी सवाल पूछना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है, अरविंद केजरीवाल से ये जवाब जानना चाहता है कि आप चौथी पास राजा जिसको कहा करते थे, जिसको आप संज्ञा दिया करते थे, 14वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले तो उसी नेता को मिले, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसके बाद चौथी पास राजा जिसको आपका, आप तो बहुत बड़े आईपीएन है ना, आप बहुत पढ़े लिखे, आपके मंत्री सारे पढ़े लिखे हैं, तो आपसे मैं जवाब जानना चाहता हूँ, आपसे ये जवाब दीजिए, आपने दिल्ली की आम जनता के लिए ऐसा कोई आविष्कार क्यों नहीं किया, कर लिया, जिसमें वो पानी में भी चल सके, उनके मवेशी जो है। मैं बताता हूँ आपको, एक लाइन का जवाब है। ये बात थी 2010-11 की, मैं किसी दूसरे चैनल में काम करता था और मैंने लगभग 30 या 40 यमुना पे शो किए होंगे। वो आज पिछले मार्च में नहीं रहे, मनोज मिश्रा जी ने मुझसे एक बात कही थी 2010 और 11 में, मैं आज उनको याद करता हूं। पानी पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यमुना पे बहुत अच्छा, यमुना जियो प्रोग्राम था उनका। उन्होंने कहा था एक दिन प्रतीक याद रखना, मैं रहूं ना रहूं, मुझे आज याद आ गई, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन यह बात सच है कि यमुना एक बार अपना तट तोड़ के लाल किले की दीवार को टकराएगी। और मैंने पूछा था क्यों, तो बोले जो हमने निर्माण किए हैं वो सब अवैध हैं। गंगा यमुना का, गंगा का जो फ्लो है उस पे हमने निर्माण किया है। बोले मैं एक वक्त था जब यमुना में लाल किले के पास उस यमुना को देखा, उसके पास देखा, आज कहां है यमुना? मैं किसी को इंकार नहीं कर रहा, विस्थापन है, बहुत सारी नीतियां हैं, निर्माण है, लेकिन ये बात सच है कि जब आप किसी नदी की हत्या करते हैं तो दिन तो जरूर आएगा जब नदी खड़ी होगी, सवाल पूछेगी और कहेगी कि तुमने क्यों किया, क्यों किया। आज वही सवाल यमुना पूछ रही है और हमारे पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि हम तुमको ब्लेम करते हैं, हम अपने को ब्लेम करते हैं। वक्त थोड़ा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद।